तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी बीआरएस को दूसरे राज्यों में भी मजबूत करने की कोशिश में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में केसीआर ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से तमाम वादे किए। कहा कि जो सुविधाएं तेलंगाना में लोगों को दिए जा रहे हैं वही महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलेगा। खास बात यह है कि केसीआर ने महाराष्ट्र में अपनी पहली रैली में नांदेड़ में ये रैली की और दूसरी रैली भी नांदेड़ में ही की। पानी नहीं दे रहे, भाषण दे रहे, भाषण सुनो तो माइक पड़ जाएंगे, सुन सुन के चक्कर आके पड़ जाएंगे हम लोग। कितने झंडे, कितने नेता वोट के समय में कितना गुमराह, आज भी सभा में लोगों को नहाने देने के लिए बकरे क्यों काट रहे भाई? सरकार से हम चांद सितारे थोड़ी मांग रहे, सोने के ईंट थोड़ी मांग रहे भाई। जो पानी भगवान ने दिया, बीच में इंसान अड़चन बन बैठा है। जो कोयला भगवान ने दिया, बीच में हमारे राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बीच में अड़चन बन बैठे हैं। बस ये राज आप जान जाइए। देखिए एक बात है, केसीआर एक बार आके गया नांदेड़ में, गुलाबी झंडा एक ही बार आके गया, एक ही लहर। क्या आ गया? किसान को 6,000 रुपए आ गया बजट में। आया आया कि नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया भाई? पहले क्यों नहीं दिया? अब समझ जाओ इसमें गुलाबी झंडा में क्या ताकत है।